हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा विधायक निधि को 2 साल के लिए सस्पेंड करने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए पूर्व विधायक उपाध्यक्ष एवं विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसा करना लोकतंत्र के खिलाफ है। विधायकों के भी अपने अपने क्षेत्रों में कुछ आवश्यक कार्य करने पड़ते हैं जो प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप भी सुनिए। हाँ, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल में ये फैसला लिया कि विधायक क्षेत्र विकास निधि जो करीब 1,75,00,000 रुपए एक विधायक क्षेत्र के लिए विकास के लिए अन्य कामों के लिए खर्च करने का प्रावधान होता है उसको जो है अगले 2 सालों के लिए इन्होंने उसको बंद कर दिया है। मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में आप इस किस्म के कार्य करेंगे, विधायकों की निधि ही बंद कर दोगे तो लोकतंत्र जो है खतरे में है। और कोरोना जंग लड़ने के लिए आपने एक मंडी में 1,000 करोड़ रुपए इस बार के बजट में एक जो है एयरपोर्ट बनाने को रखा है, आप उस पैसे को उसमें यूज़ कीजिए। जो है हवाई जो पट्टी है या हवाई जो हमारा एयरपोर्ट है ये बाद में भी बन सकता है। आपके पास इतना सारा पैसा विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं 200 करोड़, वो पैसा सारा पैसा आप इसमें डालिए। आपके यहाँ पर प्रदेश में कोई 15 से ज़्यादा बोर्ड और निगम ऐसे हैं जो करोड़ों के घाटे पे, उनको तुरंत बंद कीजिए। वो जो पैसा बचेगा उसको जो है आप इस कोरोना जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मेरा एक सरकार से निवेदन भी है और सरकार के ऊपर आरोप भी है कि लोकतंत्र को कमज़ोर मत कीजिए। विधायकों की निधि को बंद करने से आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि विधायक निधि ऐसा है कि जो हर गांव में पहुँच